जैसा आपने बताया कि धंधे वाला खुद काम नहीं करता है, वैसा सेल्फ एम्प्लॉयड भी जो है खुद चालक खुद मालक या सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, और जो व्यवसाय करता है वो भी यदि डेलीगेट करता है एक्टिविटीज को, डेलीगेशन, तभी वो काफी फ्री रह सकता है ना। मतलब जब मैं मेरे हॉस्पिटल में हूं और मेरी कोर कॉम्पिटेंसी कायम है पेशेंट दबासने, वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ पेशेंट तपासने का, मगर वो यदि मेरे को बड़ा करने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ पेशेंट तपासने का ही काम करना पड़ेगा और बाकी सब जो काम है सब डेलीगेट करना, डेलीगेट 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 एंड डेलीगेट। तो फिर मैं उसमें ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, राइट। जैसा अभी अनंत राव ने बोला कि भाई लता मंगेशकर का समझो शो है, तो वो टिकट बेचने की वाट बैठती नहीं शो के सामने, उधर वो ऑडिटोरियम के सामने की टिकट, लता मंगेशकर टिकट बेच रहे, वो पर्दा उठाने वाला और कोई रहता, टिकट बेचने वाला और कोई रहता, लाउड स्पीकर वाला और कोई रहता, नहीं क्या वो जो ऑर्केस्ट्रा है वो और कोई रहते। लता मंगेशकर की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, गाना गाना, बस वो उतना काम करती, बाकी सब डेलीगेट, ठीक है ना। नेक्स्ट तो देखेंगे कंफ्यूजन क्या है, फिर धंधे वाले को कंफ्यूजन क्या है, धंधे वाले को कंफ्यूजन यह है कि टू बिकम वर्कर हु वांट्स ऑन द कोर्ट, टू बिकम वर्कर हु वर्क्स ऑन द कोर्ट, मुझे एक्चुअली काम करना, मैंने काम करना क्या खुद जाके, वो कंफ्यूजन है, या टू बिकम मैनेजर हु मैनेजर द बिजनेस, या मैंने मैनेजर करके काम करना क्या, या तीसरा टू बिकम लीडर हु रन्स द बिजनेस। मुझे पहला क्या है, खुद ध्यान खुद काम करना, दूसरा क्या है कि मैंने मैनेजर बनना क्या, कि लोगों से मैनेज करना, अच्छा लोगों से मैनेज किया तभी वो धंधे वाला हुआ ही नहीं, वो हुआ मैनेजर, क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, लोगों को मैनेज करना, फिर वो बंडू आया कि नहीं, बाड़ू गया कि नहीं, अरे वो नल वहां से वो पानी बह रहा है, अरे वो देखो, अरे वो चेक पास हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक बाउंस हो जाएगा, अरे वो कैश डालना पड़ेगा वो डालो, अरे इलेक्ट्रिक का वो वहां वो शॉर्ट सर्किट हो गया, अरे वो इलेक्ट्रिशियन आया कि नहीं वो देखो, आप जाओ और इलेक्ट्रिशियन का काम कर लो, अच्छा वो टूट गया क्या दरवाजा, अरे वो जरा डोर क्लोजर के वो टूट गया है, दरवाजा टूट गया, अरे वो कारपेंटर देखो, वो खुद काम नहीं करता, उसके हाथ के नीचे जो 5-10 लोग है उनसे काम, अरे वो अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट क्यों नहीं है, वो देखना पड़ेगा बैंक में पैसे डालने का, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा, चलो चलो जल्दी जल्दी देखो लिखो चेक लिखो या फिर वो स्लिप लिखो, अपने को पैसे ले जाओ और बैंक में पैसे, अपना चेक बाउंस हो जाएगा, तो अकाउंटेंट का काम कर रहा है या लोगों से करवा के ले रहा है। तो कंफ्यूजन क्या है कि एक तो वर्कर है ना, खुद बैंक में जाओ और खुद पैसे डाल के आ जाओ ताकि चेक बाउंस ना हो, दूसरा कोई तो भी आदमी को बोलो कि तू जाके पैसे डाल के आ जा ताकि चेक बाउंस ना हो, मतलब मैं किसको तो भी बोल रहा हूँ, तो मैं इनको बोल रहा हूँ अकाउंट का काम, अकाउंट्स का काम करो, अकाउंट्स डालो कंप्यूटर में या पैसे भर के आ जाओ, इनको बोल रहा हूँ तुम ऐसा करो वो प्लम्बर को बुला के आ जाओ, उसको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन अपना उधर की लाइन गई है फेस गया हुआ है वो बराबर करो, तो चौथा बोल रहा है अरे वो अपनी कार में वो चक्का पंक्चर हो गया वो अपने को बदलना पड़ता बोला, शाम को जाने का है बाहर तो वो चक्का दुरुस्त करके लाओ पंक्चर, मतलब मैं भी क्या कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ और 4 लोगों से काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ, मैनेजर धंधे वाला नहीं तभी, क्योंकि मैं फिर दिन भर उसमें गुता हुआ हूँ कि लोगों से काम करवा के लेना, आपको समझ में आ रहा है, मैनेजर काम में काम करवा के लेना, फिर दिन भर में वो बाड़ू वाला कि नहीं, बाड़ू गेला कि नहीं, अरे वो फलाना आया कि नहीं, अरे वो आई कि नहीं, वो काम की आई, अरे वो अच्छा घर में वो काम वाली नहीं आई क्या, वहां से घर से फोन वाला काम वाली नहीं आई, अभी क्या करो, अच्छा काम वाली नहीं आई तो अभी क्या करना है, तो है ना, अच्छा खाना बनाने वाली नहीं है, अच्छा उसके लिए बोलो क्या करना है, तो मतलब मैनेजिंग द थिंग्स, और वो मैनेजमेंट में पूरे दिन गुता रहता है और शाम तक वो मैनेजमेंट में थक जाता है। तो उसमें बैंक में मैनेजर है तो बैंक का मैनेजर क्या करता है कि वो झाड़ू वाला है कि नहीं, उसने झाड़ू लगाया कि नहीं, अरे वो खिड़कियां साफ हुई कि नहीं, वो भी उसका काम है साफ करने वाले का, अरे वो चपरासी का काम है पानी भरना है तो उसने पानी भर के रखा कि नहीं, अरे अकाउंटेंट नहीं आया वो चेक पास करने का, वो अकाउंटेंट हमारे यहाँ मैनेजर है ना, वो दिन भर उसमें गुता रहता है, शाम को बोले 6 बज गए, बाप रे बहुत काम हो गया, सबके पीछे लगते लगते लोग काम नहीं करते थक जाते हैं, हाँ थक गया मैं अभी, और शाम को हंसते हुए करके वो घर जाता और आराम से टीवी देखते बैठता, फिर वो मैनेजर धंधे वाला कहाँ है,
उसको यदि दूसरी ब्रांच निकालने का है तो दूसरी ब्रांच निकालने के लिए उसके पास टाइम कहाँ है? तो वर्कर बनने का है या मैनेजर बनने का है या फिर लीडर बनने का है धंधे में? लीडर मतलब वो एंटरप्रेन्योर, उसके पास में टाइम है, वो कुछ नहीं करता, मैनेजमेंट नहीं करता, वो सिर्फ बैठ के सोचता हूँ कि अभी क्या करना, मैंने कौन सी रिस्क लेना चाहिए, क्या रिस्क लेना चाहिए, इससे क्या होगा, उसके लिए आपके पास में टाइम कहाँ है? आप तो गुदे हुए मैनेजर के रोल में। आपको ख्याल नहीं आ रहा, इसमें क्या समझ में आ रहा देखिए, है ना? तो आपका कंफ्यूजन ही है। और बड़ा करना है धंधा तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, और जैसा आनंद राव ने बोला, एक दिन में होता नहीं, वो आपको प्लान करना पड़ेगा कि 2 साल में या 3 साल में आज से मैं इस तरह का मेरा प्लानिंग करूं कि मेरे पास में वर्कर भी रहेंगे, मैनेजर भी रहेंगे, लीडर भी रहेंगे, और सब काम ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे हो गया, धंधा ऑटो पायलट पे चल रहा है, मुझे मेरी जरूरत नहीं है। जैसा बताया कि लोकमत में उसके मालिक यहाँ आए नहीं अकोला में या यवतमाल में, तो धंधा चल रहा है, रोज पेपर बाहर निकल रहा है, रोज न्यूज आ रही है, रोज लाखों पेपर बाहर निकलते हैं, लोग रोज चालू है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? मालिक को वहां बैठना नहीं पड़ता अकोला ऑफिस में आके कि पेपर निकला का नहीं निकला, है ना? वो तो घूमते रहते इधर उधर। तो वो आपका कंफ्यूजन है। नेक्स्ट, सो व्हाई वी हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल फ्रॉम वेयर देयर इज नो प्रोग्रेस? हम ये लेवल पे ऐसा क्यों हुआ कि हम वो लेवल पे आए कि जहां से हमारा अभी प्रोग्रेस नहीं हुआ? ऐसा हुआ कि आपका प्रोग्रेस नहीं है, पिछले 3 साल से वहीं के वहीं स्टेबल है आपका धंधा, 3 साल से पिछले 3 साल से स्टेबल धंधा है, कोई बढ़ा ही नहीं ऐसा, कोई ग्रोथ नहीं हुआ, कोई जंप नहीं हुआ, वहां के वहीं चालू है ना? आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस 20 बार है, 1 साल का एक्सपीरियंस 20 बार है, वो वही तो कर रहे 20 साल से, नहीं क्या कर रहे? नहीं क्या चालू है? वही चालू है, वही चालू है, वही चालू है, वही चालू है, काम रूटीन वर्क चालू है, सर्वाइवल, इसलिए प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस क्यों नहीं है? वही काम कर रहे पिछले 3 साल से, पिछले 5 साल से भी वही काम कर रहे, नया कुछ नहीं कर रहे, तो पिछले 5 साल में जो मिला वो आगे 5 साल में मिलने वाला है, सीधी बात है। हमको वो देखना है कि हम वहां अटक क्यों गए, हमारा धंधा बढ़ क्यों नहीं रहा है, राइट? यहां मैं रुकता हूं और भी आप शेयर करो कि आपको